नौकरी लेके जाएंगे, चाहे हम लोग का अंत हो तो यही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के अंदर और आपको हम यहां तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ARNM नर्सिंग संघ समूह के द्वारा यहां पर जो महिलाएं हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं उनके घर के आवास के अंदर। उन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर वो प्रदर्शन करें, क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पे आप लोग। हमारी मांग ये है सर कि हम विगत 10 वर्षों से ANM की प्रशिक्षण लेके बिहार के सभी जिले के कर्मचारी हैं जो प्राइवेट 2000-4000 में काम कर रहे हैं। COVID-19 में हमें प्राइवेट में भी टॉर्चर किया जाता है और अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में इन्होंने जो डॉक्टर का दाया हाथ राइट हैंड माना जाता है उनको ये GANM को बिना काउंसलिंग किए हुए घूस लेके ये तुरंत बहाली किए हैं, क्योंकि हम लोग आवाज दबाए हुए थे, हम लोग को अंत तक नहीं किया गया है। और हम सब सिर्फ COVID-19 के वजह से हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से दो दो स्टाफ लाए हैं। अगर नहीं मानेंगे हम पूरे बिहार में उतारू हो गए, अपना आत्मदाह कर लेंगे इनके दरवाजा पर अगर ये नहीं देंगे। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो ये आत्मदाह भी करने को तैयार है। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आप लोग आए हैं? क्या हम कुछ मांगों को लेकर? हम लोग का बस आयु सीमा को समाप्त करके जैसे GANM की डायरेक्ट बहाली हुई कोई एग्जाम फेस नहीं करेंगे। ट्रेनिंग के बाद जितने जिसकी आयु बचती है उतने हम लोगों को नौकरी चाहिए और हम लोगों के नौकरी में संविदा वाली नहीं आएगी, फ्रेशर को लिया जाए। टोटल जितनी भी बैठी हुई है डायरेक्ट बहाली चाहिए, कोई एग्जाम फेस नहीं करेंगे। जैसे GANM का हुआ है वैसे होगा। GANM जो डॉक्टर के साथ रहेगी उसका एग्जाम नहीं होगा और जो क्षेत्र में जाएगी उसका एग्जाम होगा। हम लोग का दस साल से हम लोग कई कठिनाई के बाद ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोग ये इस उम्मीद में थे कि आज नौकरी होगी कल नौकरी होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई और हम लोगों के पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं किया जा रहा है। आप लोग एक सप्ताह पहले भी यहाँ पे मिले? एक सप्ताह पहले इन्हें मैसेज दिए थे, बोले कि हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज तक ना कोई मैसेज आया है ना कोई बात हुई है। आज हम फैसला सुन के जाएंगे, नौकरी लेके जाएंगे, चाहे हम लोग का अंत हो तो यही होगा, यहीं पे होगा। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इनकी साफ मांगे हैं कि हमारे नियमित काम का हमें नियमित जो सैलरी मिले और भी अगर इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारे उम्र सीमा पर छूट नहीं दी जाती है तो हम लगातार प्रदर्शन यहाँ पे करते रहेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है और इस आवास के बाहर अंदर इन लोग जो नर्सेस हैं ANM की वो प्रदर्शन कर रही हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हम यहीं पे आत्मदाह करने की करेंगे भी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मंगल पांडे के आवास के अंदर ये लोग प्रदर्शन कर रही हैं तो उनकी मांगों को पूरी की जाती है या नहीं। भराला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।